बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइडियल डेकोर आइडियाज़। सो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा हमेशा खुश रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जो आइडियाज़ लेकर आई हूँ, आप लोगों ने फरमाइश की है कि एग क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियो दिखाई जाए, बीडेड क्राफ्ट के ज़रिए डेकोरेशन के स्टाइल आपको दिखाए जाए। तो ये मैं आपको बीडेड क्राफ्ट के ज़रिए एग डेकोरेशन के आइडियाज़ दिखा रही हूँ। आई होप कि आपको ये डिज़ाइनिंग ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, इनमें स्मॉल बीड्स का और बिग बीड्स का इस्तेमाल किया गया है। आप किसी भी साइज़ में बीड्स को यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की डिज़ाइनिंग कर रही हैं। तो ये तमाम मोतियों से बनाए गए डेकोरेशन आइडियाज़ हैं और बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन के साथ, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। इसके बनाने की टेक्निक्स मैं पहले बहुत सी वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ। तो ये उसी से रिलेटेड डिज़ाइनिंग है और आप चाहें तो ये किसी भी कलर में, किसी भी स्टाइल में बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें। साथ में दिए गए बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला नया नोटिफिकेशन, न्यू फ्रेश आइडियाज़ एंड लेटेस्ट डिज़ाइनिंग आप लोगों तक पहुँचते रहे और आप लोग आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड ये खूबसूरत वीडियोज़ देखते रहें। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि हम आप लोगों को लेटेस्ट से लेटेस्ट और खूबसूरत से खूबसूरत डिज़ाइनिंग और वैरायटी दिखा सकें, ताकि आप लोग अपने घर के लिए बहुत हसीन और खूबसूरत चीज़ें तैयार कर सकें। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, तमाम तर बीडेड क्राफ्ट के ज़रिए डेकोरेट किए गए एग डेकोरेशन आइडियाज़ हैं, और आप लोगों ने फरमाइश की थी तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी। ख़ासतौर पर जो बीडेड क्राफ्ट जानते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही हसीन आइडियाज़ हैं ये, और आप चाहें तो इनमें मज़ीद डिफरेंट चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने पूछा है कि इसमें कौन सा थ्रेड यूज़ किया जाता है, तो डिफरेंट थ्रेड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कुछ प्लास्टिक वायर का भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ पॉलिस्टर थ्रेड इसके लिए स्पेशल यूज़ किए जाते हैं, जो कि टूटते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पायदार होते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि ऐसे धागे का इस्तेमाल करें जो बहुत पक्का हो और टूटने वाला ना हो। और इनमें जो एग का इस्तेमाल किया गया है, कुछ प्लास्टिक एग हैं इसमें और कुछ में वुड एग का भी इस्तेमाल किया गया है। आजकल वुड में भी ये मिल जाते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप से, और फॉर्मिक एग भी मिल जाते हैं। फॉर्मिक एग की तो मैं पूरी वीडियो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ पहले, और डिटेल में तमाम तरह चीज़ें दिखाई हैं आपको। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।